लेड्स टू क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 13 सी दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू 1 − cos² θ / 2 − sin² θ, राइट. इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता था sin² θ + cos² θ 1 होता है, राइट. और ये इधर चला जाता है तो 1 − cos² θ की वैल्यू क्या हो जाती है, sin² θ / 2 − sin² θ आ गया, राइट. अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम अगर इसको देखें, अगर इसको कॉसेक में चेंज कर लें, क्यों कॉसेक में चेंज करेंगे, हमें पता है कॉट थीटा की एक आइडेंटिटी होती थी, वो होती थी cosec² θ − cot² θ = 1. अब हम इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे cosec² θ − cot² θ = 1 होता है और इसको हम लिख सकते हैं cosec को 1 / sin² θ, राइट. माइनस कॉट की जगह हमने इसका फॉर्मूला रखा 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 1 / sin² θ − 1/√3 × √3 = 3 = 1. तो 1 / sin² θ = 1, ये इधर चला गया, प्लस का हो गया 1/3, तो 1 / sin² θ की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 3 + 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ गया 1 / sin² θ = 4/3, राइट. और ये अब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 sin² θ की वैल्यू आ गई 3, 3 × 1 = 3, राइट. तो sin² θ की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4. अब हम इसको इसमें रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आया हमारा sin² θ, दैट इज 3/4 / 2 − 3/4, राइट. अब आगे क्या आएगा, 3/4 एज इट इज होल अपॉन, एलसीएम लिया 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 2 − 3, तो ये आ गया 3/4 एज इट इज, 4 × 2 = 8 − 3/4, तो ये कितना आ गया, 3/4 / 5/4, तो ये कितना आया, 3/4 × 4/5, 4 से 4 कैंसिल गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.